नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं सुअर की फार्मिंग, सुअर पालन के बारे में वीडियो बनाना है, तो उसके सिलसिले में मैं आया हूं। हमारे मित्र सोनू जी हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। सोनू सर, सोनू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में आपका स्वागत है, और आप अपना परिचय दें सर, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का और आपका मेरे पिक फार्मिंग पर स्वागत अभिनंदन। मैं सोनल सिंह, प्रतापगढ़ भदोही ग्राम सभा से, और मैं ये फार्मिंग आज 9 महीने पहले से शुरुआत करी है जी। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपका देख पा रहा हूँ, देखिए काफी बड़ा है आपने, जैसा कि मुझे पहले बताया कि 80x36 में आपने बनाया है, 38 में सॉरी। तो इसमें आपका जो है टोटल जो बनाने का खर्च लगा था वो कितना आया था? ये मेरा टोटल आयरन से लेकर के सारी कंप्लीट करने में, कंप्लीट की बात, कंप्लीट करने में 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए इसमें लग गए। और उसके बाद आपने बच्चों को जो डाला था, तो आपने कितने बच्चे डाले थे और कितना खर्चा आया था? हमने सबसे पहले समझिए आपकी, जब हमने शुरुआत करी तो हमने जहाँ से जानवर लेने की बात करी, जानवर लिया वो हमें अच्छी नस्ल के नहीं मिले जी। 5000 के 3 जानवर लेकर के आए जी, लेकिन नस्ल अच्छी ना होने की वजह से 2 महीने के बाद हमने जी उसको उसी दाम पर जी 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 बेच दिया जी। फिर उसके बाद दूसरी जगह से हमने बात करी जी, और वहां से जानवर उठाना शुरू किए, उसमें 1 नर और 5 मादी जी, और 10 बच्चे जी, जिसमें 6 मादी थी बच्चों में और 4 नर थे लेकर के आए जी, उनसे शुरुआत करी जी। और आज 9 महीने के अंदर हमने 116 का टारगेट पहुंचा दिया था। अच्छा जी, तो यानी आप कह सकते हैं कि हमने मतलब 116 आपका हो चुका था जी जी। तो अभी आपके पास मैं देख रहा हूँ 116 नहीं, अभी कितने हैं? अभी 44 है, 44 है जी। तो बाकी आपने सेल कर दिया जी, वन बाय वन जी जी रूप में ऐसे सेल करते हैं। तो सर, सेलिंग जो हुई है अभी तक की आपकी 9 महीने में, आप कह रहे हैं, तो कितना सेल कर लिया आपने? टोटल हमने सेल किया है 63, और 63 में हमें जो पैसा मिला है वो 2,14,000 रुपया मिला है। मतलब आप बच्चा और बड़ा दोनों मिलाकर के बात कर रहे हैं कि आपने सेल किया जी। तो सर, जैसे कि मैं इनको देख रहा था कि बहुत तेजी से आवाज कर रहे थे अभी ये बच्चे, तो ये ऊपर दिख रहा है, तो ये क्यों आवाज कर रहे थे? देखिए, जब इनको नहला देते हैं, जब इनकी सफाई हो जाती है जी, तो सफाई करने के तुरंत बाद इनको दाना चाहिए जी। तो दाना इनका भिगाया हुआ रहता है, रेडी रहता है, जैसे ही नहा लेते हैं, स्नान हो जाता है इनका, उसके बाद तुरंत हम लोग इनको दाना प्रोवाइड करते हैं जी। मैंने बीच में क्वेश्चन इसलिए किया कि छूट न जाए। चलिए, सबसे बड़ी चीज, आपने रूम ये बनाए हुए एक तरीके से, इनका सेपरेशन किया हुआ है, तो इनका सेपरेशन कितने बाई कितने में आपने बनाया है? देखिए, हमने जो बनाया, क्योंकि मैंने बेसिकली देखा इससे बहुत छोटे बनाते हैं लोग जी। बेसिकली चाहिए छोटा ही जी, लेकिन अब चूंकि हमें ये लार्ज में करना था, तो हमने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि हमें 400-500 जानवर के इसको रखने हैं जी। तो हमने शुरुआत इतने से करी है, लेकिन ये सब सारे के सारे यहाँ पे मीट के लिए जानवर और फार्मिंग के लिए जानवर यहाँ तैयार होंगे, बाकी डिलीवरी के लिए हमको अलग से बनाना है जी। अब मतलब डिलीवरी अलग और मीट और फार्मिंग, ये मैं समझा नहीं, मैं मीनिंग क्या? अब उसका कारण आपको बता देता हूँ। तो डिलीवरी का रूम रहता है जी, उसकी साइज होगी 6x8 फीट की जी, और वो मेरे हिसाब से ऐसे ही MS के तरीके से, मतलब जैसे कि ये आपकी जो बच्ची है, मतलब बच्चा ये जी, तो ये भी डिलीवरी के लिए रेडी है ये जी, तो इनके लिए एक रूम सेपरेट आपको देना पड़ेगा। तो अगर बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए आपकी डिलीवरी में अगर 50 हो गए डिलीवरी के लिए, तब तो आपके पास ये जगह कम पड़ जाएगी। बिल्कुल, तो उससे पहले आपको, इसलिए बच्चों को आपने निकाल दिया जी, जी, यही रीजन रहा आपका बेचने का। अदरवाइज आपने शुरुआत की थी तो आप ज्यादा भी स्केल में कर सकते थे। चलिए सर, एक चीज ये बताइए, सबसे बड़ी चीज है इसमें रोग का, कौन कौन से ऐसे मुख्य रोग हैं जिनको हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहली चीज जो मूलभूत है जी, आपके फार्म और फार्म के इर्द गिर्द की साफ सफाई, साफ सफाई जी, बिल्कुल, जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा ढंग से आपने मेंटेन किया है, वो अगर आप रखते हैं तो 50% रोग तो आपके फार्म पे आएगा नहीं। बिल्कुल, उसके अलावा देखिए, मैं बिना बहुत कम खर्च में ज्यादा रोकथाम हो ऐसी दवाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे सरकारी अस्पतालों में ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, बिल्कुल मार्केट में मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव चूने के साथ में, पाउडर का चूना लेकर के चूने के साथ में अगर आप साप्ताहिक
नालियों से लेकर फार्म के अंदर अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो बैक्टीरिया लेस हो जाता है, बैक्टीरिया लेस हो जाता है। और मैं सलाह यही दूंगा, साल भर में दो बार नहीं हो पाता तो एक बार जो दीवार है आप प्लास्टर नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन दीवार को चूने से, सिर्फ चूने से इसकी पुताई करते रहे जी, साल में एक बार, कम से कम एक बार, एक बार जी, ऐसे ज्यादा भी कर सकते, ज्यादा करेंगे तो आपका आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। जी जी जी, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है जी कि एक लाल दवा आती है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। जी 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 जी, वो बड़े पैकेट में आती है, छोटे पैकेट में फ्रेश दूध मिलती है, जब आप ऑर्डर करेंगे तो बड़े पैकेट में 400 ग्राम के पैकेट में आएगी, तकरीबन 220-230 रुपए का एक पैकेट आएगा। हाँ हाँ, अगर आप बुलाते हैं और दवा छिड़कने वाली जो मशीन जो किसान भाई यूज करते हैं पीठ पर लाद कर, जी, जी, हाँ, उसमें घोल बना करके आप 15-20 लीटर का पानी में घोल बनाकर अगर पूरे फार्म में और बाहर में छिड़काव, क्वांटिटी क्या होगी सर 15 लीटर में? 15 लीटर में आपको 50 ग्राम घोल बनाना होगा, 50 ग्राम, 50 ग्राम अगर आप डालते हैं 200 ग्राम के पैकेट में से या 400 ग्राम के पैकेट में से, तो जितना बड़ा आपका फार्म हाउस है इसके लिए एक मशीन है, और वो जो जो आप घोलते हैं उसमें उसके दाने बच जाते हैं जी। आपको बकेट बाल्टी में घोल करके तब उसमें डालें, और जो नीचे बैठा हुआ रहता है जब आप अगली बार घोले तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दें, तो नीचे वाला बैठा है वो काम करेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा नया डाल दें, उसको पानी में भिगो के रखिएगा, वो गल जाता है धीरे धीरे। जी जी, ये चलिए, ये तीसरी दवा है जो कि कम पैसे में ज्यादा कारगर होती है जी। अब इसमें दो बीमारियां प्रमुख है जी, एक बीमारी है खुरपका जी, और दूसरी बीमारी है जिसे कहते हैं खनवा रोग, यानी इनके चमड़े और बाल झड़ने वाली बीमारी। हाँ, एक खरीट जैसे हम लोग बोलते हैं देहात में जी, तो वो वाला जी, गांव में देखिए तो जो कुत्ते चाय का कुच्चड़ वगैरह चाटते रहते हैं, हाँ, उनको मैक्सिमम को ये हो जाता है जी जी। उसका भी कारण यही है कि अगर आपके फार्म में सफाई नहीं है और बैक्टीरिया है जी, तो आपके फार्म में ये बीमारी आ सकती है जी। एक चीज और भी है सर, ये जो आप बता रहे हैं कि जो खुजली वाला रोग जिसे होता है, ये एक चीज से और आता है कि अगर ये स्वीटनेस चीज कोई अगर खा लें तो भी हो जाता है, तो वो चांसेस यहाँ तो है ही नहीं, बोले वो चांसेस है ही नहीं, नहीं है, क्योंकि चारा आपने फिक्स देना है। तो चलिए सर, आज फिर इसके बाद हम आपसे पूछते हैं, आपने रोगों के बारे में बताया, जो इसका फीड आप देते हैं वो क्या देते हैं, जिससे कि आप बताएं और एक आसान तरीका हो, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने ये मक्का भी लगा रखा है, है? मैं देख रहा हूँ एक मिनट, ये देखिए मक्का भी लगा रखा है, और आपने जैसे कहा कि इस खेत में बगल वाले में लगा हुआ था, आप उसको जो है हार्वेस्ट भी कर चुके हैं, मक्का वो आपने तैयार कर लिया, तो क्या मक्का लगाना हमारे लिए जरूरी है? देखिए, अगर आपके पास बजट है, अगर आप मार्केट से प्रोवाइड कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये सलाह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को जी, कि जितना कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, यानी अगर आप कुछ तैयार करते हैं तो वो आपका खर्च में कटौती होगी और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी जी। तो मैंने उसी नजरिए से अपने खेत में मकाई तैयार करी, क्योंकि हमारे घर पर दूध के लिए पशु रखे हुए हैं, उनको चारे के रूप में, चूंकि अभी भूसी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ ज्यादा हो गई, बिल्कुल, इसके लिए दो काम हो जाता है कि दाना जो हमारा अनाज निकलता है वो हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और जो चारा बनता है वो हम घर पर यूज कर लेते हैं, यानी वो कह सकते हैं कि आम तो आम, गुठलियों के भी दाम दाम जी। तो सर थोड़ा चारा के बारे में दिखाइए कि आप चारा क्या देते हैं और कैसे कैसे देते हैं सर, उसके बारे में। चारे के बारे में तो बहुत सारी कंपनियां जो फीड बनाती हैं, जैसे पशु आहार बनाते हैं, नहीं कैसे किसान हमारे उसको सर्च कैसे करेंगे, मान लिया बनाते हैं ठीक है, लेकिन किसानों को पता कैसे चलेगा कि ये फीड मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी सर, या आपके फोन नंबर से आपसे पूछ सकते हैं किसान भाई? बिल्कुल, हमारे माध्यम से जानकारी उनको मिल जाएगी जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी फीड बनाती है होता तो बहुत बेटर है जी, बट वो कॉस्टली होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जौनपुर, रायबरेली, वाराणसी, इन किन्हीं डिस्ट्रिक्टों में बनता नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो हरियाणा जी। अब हरियाणा से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ आने में वो कॉस्टली और पड़ जाता है जी जी। इस लिहाज से हम अपने आप से, फॉर्मूला उनका है जी, लेकिन तैयार हम स्वयं करते हैं जी, और फीड हम अपने घर पर देसी नुस्खे से तैयार करके। सर ये दो चीज देख रहा हूँ, एक तो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने वो मिलाया, ये क्या चीज है अलग से दिखा? ये इसमें कुछ दवा मिला के रखी हुई है जो जानवर गर्मी की वजह से या किन्हीं कारणों से चारा कम खाना शुरू कर देते हैं, उनको ये दवा के रूप में डाइजेशन के लिए आप दवा खिला देते हैं तो वो भरपूर चारा खाने लगते हैं। तो ये कौन सी दवा है सर, इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, कौन सी दवा है सर? मैं भी आपको ये है स्टार्ट एडवांस। अच्छा, ये दवा से आपका एक तरीके से डाइजेशन इनका जो है कम्प्लीट, ये गाय भैंस को भी दिया जाता है जितना मैं जानता हूँ, तो ये नॉर्मल आपको मेडिकल स्टोर में जो है उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है जी, लेकिन ये है कि आप समझ के चलिए कि अगर आपने
तीन दिन खिला दिया, चाहे वो गाय भैंस हो और चाहे पिग हो, जी सबके जो डोज है वो बढ़ जाएंगे और रेगुलर पाचन क्रिया इनकी रेगुलर हो जाएगी। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है कि जैसे हमारे ये बच्चे सारे पाले हुए हैं आपने, इनको आपने भोजन दे दिया, मान लीजिए आपने तैयार किया 20 किलो 25 किलो आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इनका पेट भर चुका है या इनकी कोई पहचान होती है कि ये आपको बताएंगे? देखिए जो मानक है जैसे 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 इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, वजन बढ़ता जाएगा जी, उसी हिसाब से आप सेपरेशन करते जा रहे हैं कि ये अलग हो गया और ये देख रहा हूँ ये अलग हो गए, ये साइज एक अलग हो गई, तो इस हिसाब से आपको मानक किया हुआ है जी। अब जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों का मानक ये है कि सुबह और शाम में एक एक किलो फीड लेंगे ये। लेंगे लेकिन ये मानक है स्टैंडर्ड साइज का, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ये 1.5 किलो भी पहुंच जाता है, कभी अच्छा, कभी 1.5 किलो पहुंच जाता है। बच्चों के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भिगा के रखते हैं चारा, जिससे कि अगर उनको कम लगे, अगर वो नीड करते हैं वहाँ पे डिमांड करते हैं, क्योंकि आपने देखा कैसे वो चारे के लिए चिल्लाना शुरू किया, बिल्कुल चिल्लाना, जब वो डिमांड करते हैं थोड़ा सा और डाल देते हैं। बाकी जो बड़े जानवर हैं इनकी क्वांटिटी वही है, सुबह में 1 किलो और शाम को 1 किलो। लेकिन मैं किसान भाइयों से एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं 3 टाइम इनको राशन देता हूँ दोपहर में भी, जब इनकी सफाई हो जाती है दोपहर में जी, तब पर भी इनको 50% राशन, जितना सुबह जितना शाम को देता हूँ उसका 50% को दोपहर में देता हूँ। यही कारण है कि हमारे जानवर एकदम स्वस्थ और चमकते हुए दिखे। सर एक अंतिम सवाल है आपसे, इनकी थोड़ी सी वैरायटी बताइए कि वैरायटी कौन सी है और कैसे इनका हम वैरायटी जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी वैरायटी है? सर देखिए इनके कान से पता लगता है और इनके मुंह से पता लगता है जी, इसे लार्ज व्हाइट कहते हैं जी 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 जी, और ये प्योर रहती है। देखिए सबसे बड़ी चीज, अभी हमने हमारे क्षेत्र में चाइना करके पिग आते हैं, उसके बारे में लोग कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन मैंने भी वो दो डाले थे, समझ में नहीं आया क्योंकि उनके यहाँ मोर्टेलिटी ज्यादा होती है जी, मेरे हिसाब से। मतलब चाइना में यहाँ भी वही सिस्टम है, यूज एंड थ्रो जी, आपने अगर यूज किया तो यूज किया, नहीं तो फेंको उठाओ। अब आप समझिए मेरे पास 2 मादी थी, मैं शुरुआत उन्हीं से किया था, 2 मादियों से जी, और मेरे यहाँ जब आई दोनों बच्चा करी थी और 3 महीने के अंदर दोबारा हमने बच्चा करवा भी लिया, और आप समझिए कि मेरे यहाँ जो बच्चा करी वो 12-12 बच्चा करी थी, बाप रे। लेकिन जो मेरे हाथ में आया रिजल्ट उनका वो आया है 4 और 5 का, मतलब 4-5 बच्चे ही बच्चे आपके बच्चे बाकी मोर्टेलिटी में चले गए। और इनके अगर ये 12 करी थी इसमें 12 के 12 बच्चे थे, ये इस बार 5 करी थी, पीछे टाइम 6 करी थी, 5 पूरे बच्चे 6 पूरे बच्चे, यानी हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेशियो लार्ज व्हाइट का मैक्सिमम अभी तक। तो आपके कहने के अनुसार लार्ज व्हाइट को पालना चाहिए जी, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी के चांसेस भी कम है, बिल्कुल, और ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, चाइना माल इस्तेमाल ना कर जी, बिल्कुल जी जी। तो आपने एक तरीके से इस वीडियो के थ्रू मैसेज भी दिया है कि हमारे देशवासियों को कि चाइना माल से दूर रहें, अपना इंडियन ही लें, इंडियन में थोड़ा देर है लेकिन दुरुस्त है। अच्छा एक चीज ये बताइए सर, एक मादी जो ये आपका देख रहे हैं जो अभी बच्चा करने वाली है, साल भर में कितनी बार बच्चे करते हैं? देखिए इनका जो जो प्रेगनेंसी होने के बाद जो लास्ट टाइम जो प्रेगनेंसी होगी, जब ये कहते हैं ना कूल हो जाए, हीट पे आती है और जब कूल हो जाती है, कूल से काउंटिंग होती है 114 दिन। अच्छा जी, 114 दिन पूरा होते ही डिलीवरी हो जाएगी, 13 दिन 14 दिन 15 दिन मैक्सिमम डिलीवरी हो जाएगी, और डिलीवरी होने के 25 दिन अगर मौसम नॉर्मल है, टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं है, यानी कह सकते हैं आप सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी 2 महीने आप बच्चों को 30 से 40 दिन माँ के पास रखें, लेकिन इसके अलावा यानी 10 महीने साल के 10 महीने आप बच्चे को माँ से 25 दिन के बाद अलग कर सकते हैं जी जी, वो दाना खाना शुरू कर देते हैं और आप अलग करेंगे 5 से 6 दिन के अंदर वो हीट हो जाती है, क्रॉस करवाएंगे फिर वही आप काउंटिंग करने के 14 दिन जी डिलीवरी। तो एक सबसे अंतिम क्वेश्चन आपसे कि हमारे मादा और नर का क्या कैलकुलेशन होना चाहिए इनको, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं और कई जगह हमने देखा है अपने सिस्टम के अनुसार, आप मुझे ये बताएं कि इनको एक कूलिंग सिस्टम, मतलब एक तरीके से जो पानी का हम लोग गड्ढा बनाते हैं अलग से, तो क्या आपको उसको बनाना चाहिए या नहीं आपने बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्या रीजन? देखिए आज टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है और अगर आप हाईटेक करना चाहते हैं तो आपके खर्च तो बढ़ जाएंगे लेकिन वेस्टेज भी कम होगा और गंदगी भी कम होगी जी, बिल्कुल। लेकिन मैं कह सकता हूँ न्यूनतम मानक पर, जिससे कि हर आदमी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं, बजट नहीं हो सके, मतलब बजट होने से किया जा सकता है, बजट होने से किया जा सकता है, आपके इस
इसके अंदर ना तो आदमी पानी मारने की जरूरत है, ना तो वाइपर मारने की जरूरत है, कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो चीजें सबके पहुंचते नहीं है, मेरे जैसा आम आदमी अगर करना चाहता है तो उसके लिए चाहिए कि जो हमने ये हौद बनाई हुई है इसकी साइज थोड़ी ज्यादा है जी। अभी 9 महीने में हमने समझ में आया कि हमें इसका 1/4 करना चाहिए जी जी। उसमें 2-3 टाइम आप पानी भरो, चाहिए तो आप ऊपर वाल लगा दो जी, जी। वाल खोलो, पानी भर जाए। चलिए सर, एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, एक फॉगिंग सिस्टम आप लगवाइए। फॉगिंग सिस्टम से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो इनकी ग्रोथ है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और मैं यूट्यूबर बाद में हूँ सर, किसान पहले हूँ। यूट्यूब मैंने चैनल इसलिए बनाया कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मैं किसी तरीके से इस चैनल के थ्रू मदद कर सकूँ। मुझे कोई भी बंदा हो, कहीं से भी बुलाए, मैं बिना किसी से 1 रुपये फी लिए हुए मैं अगले के यहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ। क्यों, मेरा मकसद यह है कि मेरा किसान जो है अपने जो जहाँ लेवल है वहाँ से ऊपर उठे। और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये बच्चा जो है पानी में बैठने का सोच रहा है, मतलब ये है कि इसको ठंडक चाहिए चाहिए। तो ये चीज अगर हो सके तो करना चाहिए। मेरा फॉगिंग सिस्टम के लिए बात करी जी, देखिए फॉगिंग सिस्टम अंदर भी और छत पर भी जी, दोनों जगह करने से फायदा, क्योंकि इनके अंदर चर्बी ज्यादा होती जी, है जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनके इनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा आप इनको ठंडक दे पाएंगे जी, उतना ज्यादा ये ग्रोथ करेंगी जी, वो तो बहुत बड़ी चीज है जी जी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन चूंकि अभी नया हमारा संस्थान है, सिस्टम बनाने में समय लग रहा है जी जी। लेकिन मेरा नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ में, आप बहुत जल्द ग्रोथ करें, और उम्मीद है कि अगले बार मैं जब आऊं तो यहाँ बच्चों से पूरा भरा हुआ मिले। बहुत बहुत